नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक YouTube चैनल को लाइव स्ट्रीम करने के लिए YouTube पर। तो आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से आपने YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है YouTube की तरफ से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा कैसे आप YouTube पर एक अपना YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हो, और वेरीफाई करने के बाद आपको YouTube चैनल का क्या क्या जो कि आपको बेनिफिट मिल जाता है YouTube की तरफ से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु YouTube चैनल। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल स्क्रीन में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आपको यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करूँगा हमारा जो YouTube चैनल है। तो सिंपली उसके पहले हमने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाऊँगा, और क्रोम ब्राउज़र पर दोस्तों आ जाने के बाद सिंपली आपको यूट्यूब पर आ जाना है, या तो आप डायरेक्टली YouTube में सर्च कर सकते हो m.youtube.com। तो हम एंड्रॉयड मोबाइल से ही हमारा जो मोबाइल नंबर चैनल है YouTube चैनल है वेरीफाई करूँगा। तो सिंपली आपको ऊपर में जो थ्री डॉट ऑप्शन है, थ्री डॉट में क्लिक कर देना, और डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। कंप्यूटर के जैसे ओपन हो जाएगा अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ही। तो सिंपली अपना जो चैनल है, चैनल का लोगो में आपको टच कर देना होगा। चैनल का लोगो में जैसे टच करेंगे वाइट स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो आएगा, यूट्यूब स्टूडियो में आपको टच कर देना होगा। और YouTube स्टूडियो में जैसे आपने आते हो, अपना चैनल है फुल्ली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, और अपना YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप नीचे यहाँ पर सेटिंग बोल के एक ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस सेटिंग ऑप्शन में आपको टच कर देना होगा, और इसके बाद एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है चैनल बोल के एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली चैनल ऑप्शन में टच कर देना होता है। चैनल ऑप्शन में जैसे टच करते हो, आपके यहाँ पर एडवांस सेटिंग और फ्यूचर एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर जो फ्यूचर एलिजिबिलिटी इसमें आपको आ जाना है। और इसके बाद आपको एक ऑप्शन आपको मिल जाए, दो ऑप्शन मिलता है इसमें, आप देख सकते हो इनेबल है, और नीचे का ऑप्शन आप देख सकते हो एलिजिबल है, मतलब ये इनेबल नहीं है। तो इसको अगर आपने इनेबल कर देते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो। आप यहां पर कस्टम थंबनेल लगा सकते हो, 15 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड दे सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और आपको एक कंटेंट आईडी भी आपको मिल जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो सिंपली यहां पर एलिजिबल करने के लिए यहां पर जो कि एलिजिबल जो ऑप्शन होता है, सिंपली इसमें हम टच करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। तो सिंपली वेरीफाई फ़ोन नंबर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर पूछा जाता है किस कंट्री से हो, तो जिस कंट्री से आप हो उस कंट्री पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप कॉल पे आप ओटीपी लेना चाहेंगे या मैसेज के थ्रू, तो हम टेस्ट मैसेज के थ्रू ओटीपी लेंगे, और इसके बाद सिंपली हमारा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हम दे देते हैं। उसके बाद सिंपली सबमिट में क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे हम उसी ओटीपी को यहाँ पर दे देंगे, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर आ चुका है ओटीपी, तो फटाफट हम दे देते हैं ओटीपी 4209 7, और इसके बाद सिंपली सबमिट में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपने सबमिट में क्लिक कर देता, आपने जो यूट्यूब चैनल है मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो जाता है। और जैसे ही आप वेरीफाई हो जाते हो, तो उसके बाद आप यूट्यूब में जो फ़ायदा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे आपको बोला, तो यहाँ पर उसी पेज में आपको मिनिमाइज़ करके आ जाना है। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो गया। तो दोस्तों, कुछ स्टेप्स से काफ़ी आसानी से आपने YouTube चैनल को मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप लाइव स्ट्रीम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको लाइव स्ट्रीम करने में ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे कि लाइव स्ट्रीम इज नॉट एलिजिबल, तो आप इस तरफ से अपने YouTube चैनल को लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना, और वेरीफाई करने के बाद आप देखना जो उधर में जो लिखा है जो अपने लाइव स्ट्रीम को जो इनेबल हुआ के नहीं हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है आप ये चेक कर लेना। अगर आपने उसको इनेबल कर लेते हो एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके अपने यूट्यूब चैनल को, तो आप देखना कि आपने 15 मिनट से भी ज़्यादा जो कंटेंट वीडियो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड दे सकते हो, कस्टम थंबनेल लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ये जो ऑप्शन सारे के सारा इनेबल हो जाता है यूट्यूब की तरफ से। एक सिर्फ ओनली आप मोबाइल नंबर से अपना यूट्यूब चैनल को रजिस्टर करने के वेरीफाई करने से ही आपको ये सारा का सारा जो कि ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ओनली इसी प्रॉब्लम के लिए अगर आपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ही आसानी से अपने यूट्यूब चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके आप लाइव स्ट्रीम का लाभ
लाभ उठाए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आएंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइन बेल आइकन करके दबा दीजिए। और दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से एक नया वीडियो के जहाज, जय हिंद, वंदे मातरम।